दोस्तों धरती पर मौजूद हर जीव के खून का रंग लाल नहीं होता और कई जीवों के खून का रंग हरा, नीला, पीला, बैंगनी और यहाँ तक कि सफेद भी होता है। हर जीव के खून का रंग उसमें मिले तरह तरह के मिनरल्स की वजह से आता है और यही अलग अलग रंग के खून उन्हें उनके वातावरण के हिसाब से अलग अलग काबिलियत या फिर कहें कि शक्तियाँ भी देता है। इंसान और जानवरों का खून लाल एक तरीके के प्रोटीन जिसे हीमोग्लोबिन कहा जाता है उसकी वजह से होता है। हमारे खून में मौजूद एक तरीके का कण जिसे प्लाज्मा प्रोटीन कहा जाता है उस पर ही हमारे खून का रंग निर्भर होता है। जैसे कि अगर आपके खून में ज्यादा कॉपर प्रोटीन होगा तो आपका खून नीला हो जाएगा। ऐसे ही अंटार्कटिका की ठंड में मौजूद कुछ जीवों का खून भी रंगीन होता है जो उन्हें कम ऑक्सीजन वाले वातावरण में जिंदा रहने में मदद करते हैं। चलिए जानते हैं अलग अलग रंगों के खून के बारे में और जानते हैं ऐसे जीव जिनके खूनों का रंग एकदम अलग होता है। आप देख रहे हैं फैक्ट जिनी। नंबर 5, बैंगनी रंग का खून। पहले बात करते हैं बैंगनी रंग के खून की जो लाल खून के बाद सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इस तरीके का खून ज्यादातर पानी के जीवों में पाया जाता है और इन्फेक्शन से लड़ने में भी उनकी मदद करता है। ये खून पीनट वॉर्म में पाया जाता है और इसी खून की वजह से वो कट जाने के बाद भी कटा हुआ हिस्सा फिर से उगा लेते हैं। अब आप ही सोचिए कि काश इंसानों में भी यही खून होता तो दरअसल में इंसानी डीएनए बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और इसी वजह से ये खून भी हमारे काम नहीं आ पाता। पीनट वॉर्म के साथ साथ ऐसा खून पाया जाता है ब्रैकियोपॉड्स में जो एक सीप सा दिखता है पर इस जीव का एक बहुत ही छोटा दिल होता है जो इस बैंगनी खून को इस जीव के पूरे शरीर में पहुंचाता रहता है। नंबर 4, नीले रंग का खून। इस रंग का खून खून में अधिक मात्रा में कॉपर होने से होता है जिसे हीमोक्यानिन भी कहा जाता है। नीले रंग का खून पूरे शरीर में लाल खून से ज्यादा तेजी से दौड़ता है और ऐसे जीवों को बहुत तेजी और फुर्ती देता है। नीले रंग का खून होता है मकड़ियों में जो नीले खून का हाई ब्लड प्रेशर को इस्तेमाल करके अपनी पुरानी खाल छोड़ पाते हैं। इस रंग का खून एक बहुत ही अद्भुत जीव में पाया जाता है जिसे हॉर्सशू क्रैब कहा जाता है। इस खून से इसे बैक्टीरिया से लड़ने की असीम शक्ति मिल जाती है। तभी तो हॉर्सशू क्रैब हमारी धरती का हिस्सा करीब पिछले 40 करोड़ साल से बने हुए हैं। इनमें इंसान की तरह नसें नहीं होती और खून इनके पूरे शरीर में बॉटल में बंद पानी की तरह इधर उधर लुढ़कता रहता है। कुछ तरीके के बिच्छू जिसमें बिच्छू की सबसे बड़ी प्रजाति एम्परर स्कॉर्पियन का खून भी नीले रंग का होता है। नंबर 3, हरे रंग का खून। दोस्तों अगर आपने प्रेडेटर मूवी देखी हो तो उसमें भी प्रेडेटर का खून हरे रंग का होता है। वो तो खैर मूवी थी पर ये धरती इतनी अनोखी है कि यहाँ भी हरे रंग के खून के जीव पाए जाते हैं। इस तरीके का खून ज्यादातर छिपकली नुमा जीव और कीड़ों में पाया जाता है। खून का रंग हरा होता है बेलवेरिदिन नाम के एक प्रोटीन से। ये वही प्रोटीन है जिसकी वजह से कभी कभार आपको चोट लगती है तो वहाँ हरे रंग का थक्का यानी कि निशान बन जाता है। ये पाया जाता है टोबैको हॉर्न नाम के कीड़े में। ज्यादातर जिन सारे जीवों में हरे रंग का खून पाया जाता है वो वेजिटेरियन होते हैं। वैसे अगर आप अपने खून का रंग बदल पाते तो कौन से रंग का खून आप अपनी नसों में बहाते हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हरा खून स्किंक्स नाम की छिपकली में भी होता है और इतना ज्यादा होता है कि इसका खून क्या उसकी खाल और उसकी हड्डियां भी हरी हो जाती हैं। पानी में पाई जाने वाली लीच का खून भी हरे रंग का होता है। लीच वैसे ही खून चूसने के लिए बदनाम है पर यह सिर्फ आपके शरीर का गंदा खून ही चूसती है। लीच इस लाल खून को भी पचाकर हरा कर देती है। नंबर 2, पीले रंग का खून। खून के पीले रंग होने की वजह होती है वेनाबिन नाम का प्रोटीन। पीले रंग के खून के फायदे अभी तक साइंटिस्ट नहीं समझ पाए पर अगर प्रकृति ने इस रंग का खून दिया है तो कुछ सोचकर ही दिया होगा। ये खून पाया जाता है बीटल्स में। अगर आपके कार के शीशे में ये कीड़ा आ गया और आपने उसे मार दिया तो ये पीले रंग का धब्बा छोड़ देते हैं। बीटल्स के अंदर भी नसें नहीं होती और उनके सर के अंदर एक बड़ा गड्ढा होता है
जहां सारा पीला खून जमा रहता है। यही खून पाया जाता है सी कोकम्बर्स में भी, जो एक बहुत ही साधारण टाइप का दिखने वाला पर बड़ा ही अजीब जानवर होता है। इसके कई हजार पैर होते हैं जिनसे ये धीरे धीरे समुद्र के तल में घूमता रहता है। ये चाहे तो अपनी मर्जी से मेल से फीमेल बन सकता है। अब ये पीले खून की वजह से होता है कि किसी और वजह से, इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। नंबर एक, सफेद या फिर पारदर्शी खून। चलिए जानते हैं आइस फिश के बारे में, जिसका खून पानी जैसा रंग का होता है। ये मछली अंटार्कटिक पोल में पाई जाती है। इसके खून में प्रोटीन नहीं होता है और इसी वजह से इसका खून ठंडा होता है। साइंटिस्टों के अनुसार ठंडा खून ऑक्सीजन को शरीर में पहुंचाने में गर्म खून से ज्यादा काबिलियत रखता है। इस मछली का एक बहुत बड़ा दिल होता है जो इसके खून को काफी ज्यादा प्रेशर से शरीर के अंदर घुमाता रहता है। काश हम इंसानों के पास भी एक बड़ा दिल होता। कई तरीके के कीड़ों में सफेद रंग का खून पाया जाता है। इन कीड़ों में से कॉकरोच भी एक है। तो देखा आपने कि प्रकृति कितनी बड़ी कलाकार है। तो दोस्तों हमें ये बताना ना भूलें कि अगर आप अपने खून का रंग चेंज कर पाते तो उसका रंग क्या होता, नीचे कमेंट कर देना। और वीडियो तो अच्छा लगा ही होगा, इसलिए इसे लाइक कर दो। अगर 1000 लाइक और 100 कमेंट्स आ गए तो इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर बनेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप देख रहे हैं फैक्ट जीनी।